नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुखराम मशीनरी कंपनी एंड नानक नाम मशीनरी कंपनी में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए मैं तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडियाज़ लेकर आया हूँ जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये हर सेक्टर में, हर जगह, हर घर पे से लेके फैक्ट्री, कोई भी सेक्टर लगा लो, हर जगह ये यूज होता है प्रोडक्ट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका नेम है स्क्रू मेकिंग बिजनेस, जिसको आप ड्राइवर स्क्रू बोलते हो, इजिप्शियन स्क्रू बोलते हो, पीओपी चैनल में जो स्क्रू लगता है वो भी बोलते हो, कोई भी टाइप का स्क्रू है, सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू है, शीट मेटल स्क्रू है, जिंक हुआ है, कुछ भी है, सभी ये मशीन में बनते हैं। दोस्तों, जो ये वीडियो है, आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने लगा हूँ, बताने लगा हूँ कि प्रोसेस क्या है इसका स्क्रू बनाने का, कैसे क्या बनता है, ब्लैक कोटिंग कैसे होता है, जिंक कोटिंग कैसे होता है, गोल्डन कलर की कोटिंग कैसे होता है, कहाँ पे स्क्रू बेचना है, मटेरियल कहाँ से लेकर आना है, सेल कितने में होना है, आपको मशीन्स की भी सारी जानकारी, रॉ मटेरियल की, ब्लैक कोटिंग, जिंक कोटिंग, सभी की जानकारी दूंगा। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में हर एक बात कही हुई आपको कोई फायदेमंद बात हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ये बिजनेस की इतनी डिमांड है कि आप इस बिजनेस को करके डेली से 20 से 25 हज़ार आसानी से कमा सकते हो, क्योंकि इसकी इतनी डिमांड है, चाहे 24 घंटे भी मशीन को चलाओगे तो फिर भी इसकी डिमांड पूरी नहीं होगी, इतनी डिमांड है इसकी मार्केट में। तो आज जो आपको मशीन दिखाने जा रहा हूँ मैं, ये पहली मशीन है, ये हेडर मशीन है, इसमें हेड बनता है स्क्रू का, जो रोल थ्रेडिंग मशीन है, इसमें थ्रेड डलेगा, और वो है पॉलिशिंग ड्रम, और इसके साथ एक कटर ग्राइंडर भी साथ में लगता है, जो उसके टूल्स को धार लगाने के लिए, शार्प करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले हेडर का काम होता है, यहाँ पर वायर स्टैंड लगेगा, आगे वायर स्टैंड से यहाँ से वायर इंसर्ट होगी, आगे यहाँ से अंदर जाके मशीन ऑटोमेटिक प्रोडक्शन निकालती जाती है, आपने बस वायर लगानी है तो ऑटोमेटिक स्क्रू बन के बाहर गिरता जाएगा, यहाँ पे नीचे गिरता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका हेड भी बनेगा, आपने 4 हेड बनाना है, कोई भी हेड बनाना है, हल्की हेड बनाना है, कोई भी हेड, किसी भी टाइप का हेड बनाना है तो वो इसमें बनेगा। तो हेड बनने के बाद इसमें ये रोल थ्रेड मशीन होती है, तो इसमें जब जो मटेरियल बन गया, इसमें ऑयल लगा होता है मटेरियल को, तो उसके बाद जाएगा पॉलिशिंग ड्रम में मटेरियल कोई भी होगा, क्योंकि अगर मशीन में रोल थ्रेडिंग मशीन में कोई भी मटेरियल डालना है तो उसमें ऑयल रिमूव करना पड़ेगा पहले, अगर ऑयल लगा होगा तो उसमें इजीली मूव नहीं होगा, ऑयल लगा होगा, जो सब मटेरियल इसमें हेड बना होगा स्क्रू का, उसमें हेड बन जाएगा और ऐसा स्क्रू बन जाएगा। इसमें कोई भी टाइप का हेड बना सकते हो, 4 हेड, कोई भी माइनस है, कोई भी टाइप का हेड है, माइनस के लिए होता है, अगर गहराई में आपने माइनस डालना है तो वो अलग मशीन में डलता है, अगर राउंड हेड पे माइनस डालना है तो इसी मशीन में डल जाएगा। तो इसमें है, ऐसा मटेरियल बन गया, तो उसके बाद वो पॉलिशिंग ड्रम में जाएगा, पॉलिशिंग ड्रम में उसके साथ लकड़ी का बुरादा डलता है, तो उससे क्या होता है, जो स्क्रू के ऊपर ऑयल लगा होता है, ऑयल रिमूव हो जाता है, तो ऑयल रिमूव होने के बाद जितना भी मटेरियल वहाँ पे, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको सभी मशीन के, आपको मशीन की वर्किंग के साथ समय लग जाएगा कि किस में कैसा प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे उसमें ऑयल रिमूव हो जाएगा, स्क्रू के साथ ऑयल रिमूव हो जाएगा, तो आपने स्क्रू को इसमें डालना है, इसको वाइब्रेटर कहते हैं, आज के टाइम का सबसे लेटेस्ट मॉडल है ये, पहले होता था मैनुअल टोकरी लगती थी ऊपर, तो जिसके ताकि स्क्रू एक आदमी मशीन के ऊपर पक्का खिलारना पड़ता था, कि अगर उसमें ऑटोमेटिक उसने फीड कर ही जाना है, जो पहले पुराने मॉडल होते थे तो उसमें होता था एक आदमी स्क्रू को रोकने के लिए लगता है, तो आज का हमने जो लेटेस्ट मॉडल डिजाइन किया हुआ है, ये वाइब्रेटर सिस्टम लगा हुआ है, इसमें जितना मटेरियल चाहिए आप डाल दोगे तो ऑटोमेटिक वाइब्रेटर इसमें ले आएगा, और ये सेंसर लगा हुआ है, जैसे ये पूरी फीड भर जाएगी ये ऑटो कट कर जाएगा वाइब्रेटर, जैसे ही खाली होएगी स्क्रू आगे कम होएंगे इसमें, तो फिर ऑटोमेटिक वाइब्रेटर चल जाएगा, तो ये ऑटो सिस्टम है पूरा, तो इसमें ऑटोमेटिक जाके ये डाइज लगी होती है यहाँ पे, अब जैसे ही डाई लगाओगे वैसे ही थ्रेड डल जाएगी इसके नीचे, कोई भी चाहिए आपको, ड्राई वॉल की चाहिए, शीट मेटल की चाहिए, किसी भी टाइप की आपको थ्रेड चाहिए, वुड स्क्रू है, कोई भी है, सभी इसमें बन जाएगी। तो इसमें मशीन के मॉडल होते हैं, जैसे 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, ऐसे मॉडल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वैसे 2 और 3 इंची मॉडल चलते हैं, क्योंकि 3 इंची से जो बड़ा स्क्रू बहुत कम चलता है, तो 3 इंची तक मैक्सिमम स्क्रू चलता है, तो इसलिए जो आपको ये मॉडल दिखा रहा हूँ, ये 2 इंची का मॉडल है, DS1 मॉडल कहते हैं इसको, इसके लिए आपको 4 मशीन चाहिए, 4 मशीन के साथ आपका
कंप्लीट सेटअप हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको हेडर की वीडियो दिखाने लगा हूँ। आप देख सकते हैं वायर का रोल लगा हुआ है, तो वायर का रोल लगा है। ऑटोमेटिक बस आपने वायर फीड कर देनी है, मशीन ने ऑटोमेटिक स्क्रू बनाई जाना है। हेडर मशीन में सबसे पहले स्क्रू बनता है, उसमें हेड बन जाएगा और स्क्रू बन जाएगा, थ्रेडिंग नेक्स्ट मशीन में डलती है जैसे मैंने आपको बताया पहले। देखो ये देखो कितना बढ़िया हेड बना हुआ है, फोर हेड बना हुआ है, ये ड्राइवल स्क्रू बना हुआ है जैसे, तो इसमें थ्रेड नेक्स्ट मशीन में डलेगा। देखो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है, बस आपने वायर लगानी है, ऑटोमेटिक बन के स्क्रू गिरता जाना है बस नीचे। इसके बाद ये जाएगा पॉलिशिंग ड्रम में। मैं आपको पॉलिशिंग ड्रम की वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए अभी पॉलिशिंग ड्रम की वीडियो आएगी। ये देखिए पॉलिशिंग ड्रम में पहले इसको आपने 10-20 मिनट इसको 10 मिनट आपने घुमाना है। घुमाने के बाद इसको लकड़ी का बुरादा डलता है साथ में, लकड़ी का बुरादा डाल के ये इसका जो ऑयल होगा ऑयल रिमूव हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसको ऑयल रिमूव हो गया, अब निकल गया ये। अभी आएगा रोल थ्रेड में। ये वाइब्रेटर सिस्टम लगा हुआ है इसमें, जैसे अपने स्क्रू डाला है, ये सैंपल के लिए स्क्रू डाले हुए हैं, जैसे ये पूरी भर सकते हैं आप, इसको ऊपर तक भर सकते हैं इसको वाइब्रेटर को। ये देखो आप जैसे वाइब्रेटर में घूम के जा रहा है ये ऊपर स्क्रू घूम के ऐसे, तो उसमें आ जाएंगे जहाँ से फीड होएंगे आगे मशीन में, वहाँ पर आ जाएंगे फीडर में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे स्क्रू घूम रहे हैं जैसे, अभी देखो ये आगे आ गए हैं फीडर में, ये स्क्रू ऐसे लाइन में भरकर पूरे हो गए हैं। तो पीछे वाइब्रेटर जैसे बंद हो जाता है, जैसे लाइन में अगर भर जाएगा पूरे स्क्रू भर जाएंगे तो पीछे वाइब्रेटर बंद हो जाएगा, जैसे स्क्रू आगे से ख़त्म होएंगे वाइब्रेटर ऑटो स्टार्ट हो जाएगा खुद ही। ये देखिए हमने मशीन स्टार्ट कर दी है। अभी इसमें भी बस आपने स्क्रू उसमें वाइब्रेटर में डालना है, फुली ऑटोमेटिक मशीन ने खुद काम करते रहना है, बल्कि इसमें लेबर की बहुत कम ज़रूरत होती है। एक स्किल्ड आदमी हो, एक हेल्पर हो, तो सारी मशीन ऑपरेट कर लेता है खुद ही। देखो फुली ऑटोमेटिक बस स्क्रू बन के अब निकलता जा रहा है। इसमें आपका हेडर में हेड बन गया, पॉलिशिंग ड्रम में पहले इसका ऑयल रिमूव हो गया, पॉलिश भी हो गया साथ में, और चूड़ी भी डल की, ये थ्रेड भी अब डल गया है। आप देख सकते हैं बहुत इजी प्रोसेस है, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स है, कोई भी आदमी चला सकता है इसको, बहुत इजी प्रोसेस है ये। कुछ आपको मैं रनिंग प्लांट दिखाने लगा हूँ। ये देखिए जैसे रनिंग सेटअप लगा हुआ है पूरा, ये कंप्लीट इसने 10-20 मशीन लगाई हुई हैं। ये एक और सेटअप लगा हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कितने हेडर लगे हैं, कितने रोल थ्रेड लगे हुए हैं, बल्कि पूरा कंप्लीट सेटअप लगाया है वो लोगों ने। इतना इसका डिमांड होती है स्क्रू की कि लोगों ने 10-10, 20-20 मशीन लगाई हुई है। आप देख सकते हैं ये ट्रेवल स्क्रू बना हुआ है, कितने बढ़िया क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी में बनता है ये रोल। ये देखिए रोल थ्रेड में भी ट्रेवल स्क्रू बन के निकल रहा है, ये देखो आप, ये ट्रेवल स्क्रू है, बल्कि पूरा कंप्लीट प्लांट लगा हुआ है इसमें। आपने इसने हीट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है, जो आपने भट्टी वाला बोला मैंने बर्नर वाला, वो भी प्लांट लगा हुआ है सारा। ये देखो कितनी मशीन लगी हुई हैं। और बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि स्क्रू तो अब बन गया, इसको ब्लैक कैसे करें? ब्लैक करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है कंप्लीट प्लांट लगाना, उसमें आपका हो जाएगा, उसमें फर्नेस आएगी, हीट ट्रीटमेंट प्लांट आएगा, कंप्लीट आएगा वो। एक होता है वो लो बजट में कोई भी लगा सकता है, वैसे वो भी जो बड़ा प्लांट है वो कॉस्टली होता है, कम प्लांट में होगा ऐसा ड्रम, स्पेशल ड्रम बनेगा वो, उसके नीचे हीट बर्नर लगे होते हैं, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। आपको जो ड्रम के नीचे हीट होगा आप उसको स्क्रू को 20 मिनट हीट करके कटिंग ऑयल में डालोगे केमिकल में, तो वो ऑटोमेटिक हार्ड भी हो जाएंगे और ब्लैक भी हो जाएंगे। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको समझ लग जाएगी कि कैसे कह रहा हूँ मैं। दोस्तों ये ब्लैक कोटिंग का प्रोसेस है। आप देखो ये बर्नर लगा हुआ है नीचे, ऊपर ड्रम घूम रहा है, तो स्क्रू जैसे बन के वो रोल थ्रेड से बनकर आएगा, तो अगर ब्लैक कोटिंग करनी है आपने तो इसमें आपको बस इतना करना है, ड्रम में डाल के उसको बस 20 मिनट आधा घंटा घुमाना है, तो नीचे से हीट से वो हीट भी हो जाएगा। हीट होने के बाद उसको बस आपने कटिंग ऑयल में डालना है, जैसे डाले हुए हैं ये केमिकल में डालोगे तो वो ऑटोमेटिक हार्ड भी हो जाएगा, ब्लैक भी हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये ड्रायर मशीन है, इसमें स्क्रू जैसे केमिकल में डालने के बाद ड्रायर में आएगा, तो देखो कितना बढ़िया ब्लैक कोटिंग भी हो गया, उसका ड्रायर में पानी भी निकल गया, हार्ड भी हो गया और ब्लैक भी हो गया जी। एक तो ये प्रोसेस हो गया ब्लैक कोटिंग का, एक प्रोसेस होता है जिंक कोटिंग का, उसकी भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। स्क्रू होता है जहाँ तो ब्लैक कोटिंग होएगा और जहाँ जिंक कोटिंग होएगा, तो आपको कोई भी कर सकते हो, ब्लैक कोटिंग भी कर सकते हो, जिंक कोटिंग भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों की वीडियोस दिखाऊंगा, आपको समझ लग जाएगी। जो जिंक कोटिंग में होता है, सबसे पहले जो स्क्रू उसमें बनकर आएगा मशीन में,
उसको पहले पानी में साफ करते हैं ड्रम में, उसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। उसका भी ड्रम अलग होता है, उसमें उसके साथ वाटर चलता है ड्रम के, ऑटोमेटिक वो रिसाइकल होता रहता है वाटर, जो पानी एक बार ही डाल दोगे उसमें। तो वो जो वाटर है वाटर के साथ स्क्रू को साफ करके बाद में उसको एसिड में स्क्रू को साफ करते हैं, एसिड वाले ड्रम में स्क्रू उसको डाल के, वो ड्रम ड्रम जो बड़ा ड्रम होता है उसमें एसिड डला होता है, तो छोटे छोटे ड्रम होते हैं उसमें होल किए होते हैं, उसमें स्क्रू डाल के जब डालोगे उसमें तो वो एसिड ये साफ हो जाएंगे। उसको एक बार बस पानी डाल के ऊपर, तो अपने जिंक वाले जो ड्रम होते हैं जिसमें जिंक कोटिंग होगी उसमें डाल देना है। जिंक वाले ड्रम में प्लेट्स लगते हैं जिंक की, वो मैं आपको दिखाऊंगा सारा। तो जिंक उसमें होता रहता है, जो उसमें 50 kg का बैरल होता है उसका, जिंक कोटिंग ड्रम का, तो उसमें आधे घंटे में 50 kg की प्रोडक्शन हो जाती है। तो वो ऑटोमेटिक बस घूमता जाएगा, उसमें अपने स्क्रू डाल देना है, वो आधे घंटे बाद आपको उसको निकाल कर अगर उसको ड्रायर में डाल देना है। अगर वो जिंक कोटिंग होएगा उसके ऊपर आपने गोल्डन कोटिंग करना है तो उसको गोल्डन कलर में डाल दो, ब्लू कलर में करना है तो ब्लू कलर में हो जाएगा वो। दो जैसे तीन टाइप की कोटिंग चलती है ज्यादा, चार टाइप की, एक जिंक कोटिंग होती है, गोल्डन कोटिंग होती है, और एक ब्लू कोटिंग होती है या ब्लैक कोटिंग होएगी। जिंक कोटिंग होती जो जिंक कोटिंग, गोल्ड कोटिंग और ब्लू टाइप की कोटिंग होएगी वो जिंक कोटिंग प्लांट में होएगी, जो ब्लैक कोटिंग है उसका अलग प्रोसेस होता है। तो उसमें आपने अगर कोटिंग जिंक, सिर्फ जिंक रखना है तो सीधा ड्रायर में डाल दो, अगर कोई कलर करना है ऊपर गोल्डन या ब्लू तो उसको बस कलर में डिप करके ड्रायर में डाल दो, वो ऑटोमेटिक उसका जो सारा पानी होगा निकल जाएगा। तो उसके अगर आपका जो स्क्रू होगा मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, आप ये रॉ मटेरियल से स्क्रू मशीन में बन के आया तो ऐसा दिखता है। पहले ये सबसे पहले स्क्रू आएगा, इसको ड्रम में डालेंगे, ड्रम में डाल के वॉश करते हैं पानी से, तो ये पानी जो होता है रिसाइकल होता रहता है। ये देखो वॉश हो रहा है, वॉश होने के बाद देखो स्क्रू कुछ ऐसा दिखेगा, ये जैसे ड्रम से निकाला है स्क्रू बाद में, तो वॉश होने के बाद स्क्रू ऐसा दिखता है कुछ। इसके बाद हम डालेंगे इसको एसिड में। ये देखो सबसे पहले एक बारी जो बन के आया है, वॉश हो गया है ड्रम में, उसको एक बार पानी से साफ करके इसको डालते हैं एसिड में। अब देखिए ये एसिड ड्रम में डाल दें, जैसे सभी स्क्रू को बस इसको डाल के बस निकाल लेना है, इसको रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखते, ज़्यादा समय नहीं रखते इसको, इसको बस ड्रम में डाला है तो इसको निकाल देना है बस। ये देखो इन्होंने डाला है तो ये निकाल दिया, बस निकाल के इसको एक बार फिर से पानी में साफ करके इसको जो जिंक बैरल होता है, ड्रम होता है जिंक जिसमें होएगा, उसमें डाल देना है। अब ये देखो दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए इन्होंने जो पहले जिंक हुआ हुआ है उसको निकाल लेंगे, उसके बाद जो अभी जो एसिड में डाल के लाए हैं उसको इसमें डाल देंगे, स्क्रू को इस जिंक हुआ किया हुआ निकाल लिया इन्होंने, और जो दूसरा जो फिर से जिंक करना है वो ड्रम में डाल देंगे। ये देखो आप, ये पहले जिंक हुआ उसको निकाल दिया है, अब जो जिंक होना है उसको डाल देंगे अंदर। ये देखिए आप, ये एक ड्रम की कैपेसिटी 50 kg की कैपेसिटी होती है एक ड्रम की। इसको आधा घंटा इसी में जो केमिकल होता है जिंक, इसमें देखो पीछे प्लेट लगी हुई है जिंक प्लेट, तो आधा घंटा ये ऐसे ही घूमता रहेगा, आधे घंटे में ये 50 kg माल जिंक कर देता है। अगर आपने सिर्फ जिंक कोटिंग करनी है तो ये सिर्फ ऐसे घूमने, ये देखो ये जिंक हो गया है, तो ऐसे भी आप सेल कर सकते हो। अगर आपने अगर गोल्डन कोटिंग करनी है तो इसको आपको गोल्डन कलर में डालना पड़ेगा। ये देखो अभी ये गोल्डन इन्होंने कोटिंग करनी है तो गोल्डन कलर में डालेंगे। ये देखिए आप, ये गोल्डन कलर में डाला तो ये गोल्डन हो गया, देखो स्क्रू सारा। अगर आपने सिर्फ जिंक करना है तो आप वैसे इसको सीधा ड्रायर में डालो, वो जिंक रहेगा। अगर और कोई कलर करना है ऊपर तो कलर वाले केमिकल में डाल दो बस, वो स्क्रू बन के रेडी हो जाता है। ये इसके बाद उन्होंने ड्रायर में डाल दिया है। अब देखिए ड्रायर में डालने के बाद इसमें होता है, इसका सारा पानी निकल जाता है, अगर जो उसमें पानी लगा हो कोई भी केमिकल बचा है तो सारा निकल के स्क्रू हो जाता है, ड्राई स्क्रू हो जाता है बस। ये देखिए ड्रायर में बन के सूख जाएगा। अब इसको इन्होंने बोरी में डाल के मार्केट में इसको आप सेल कर सकते हो। ये देखिए इन्होंने बोरी में डाल देना है अब, तो इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई भी आदमी लगा सकता है इसको। एक तो ये टाइप हो जाती है, एक टाइप होती है कि अगर आपने कोई भी प्लांट नहीं लगाना है साथ में, सिर्फ ये स्क्रू की मशीन लगा रहे हो, तो आपके सिटीज में ऑलरेडी कई लोग होते हैं सिर्फ जिंक का ही काम करते हैं या ब्लैक कोटिंग का ही काम करते हैं,
तो आप उनको स्क्रू बना के उनको दो, वो जिंक कोटिंग करके आपको दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्होंने सिर्फ इसी जिंक कोटिंग का प्लांट लगाया होता है या ब्लैक कोटिंग का प्लांट लगाया होता है। तो आप जो भी मटेरियल बना रहे हो उनको दो, वो जिंक कोटिंग करके या ब्लैक कोटिंग करके आपको दे देंगे, तो आप मार्केट में सेल कर सकते हो। नहीं तो होलसेलर आपका ऐसे मटेरियल उठा लेते हैं काफी, तो वो खुद ब्लैक कोटिंग या जिंक कोटिंग करवा लेते हैं। अब बात करते हैं इसके जो रॉ मटेरियल की, जो इसमें रॉ मटेरियल लगेगा, एच एच बी वायर लगती है, एक वायर होती है एच बी, एक होती है एच एच बी। इसमें अगर आपने 4 हेड स्क्रू बनाना है तो एच एच बी वायर ही लगेगी, अगर आपने माइनस वाला बनाना है तो उसमें आपके एच बी वायर भी चल जाएगी, क्योंकि अगर एच बी वायर में बनाओगे तो आपका हेड नहीं सही बनेगा, इसीलिए एच एच बी वायर लगती है स्क्रू बनाने के लिए। जिप्सन स्क्रू, ड्राइवल स्क्रू बनाना है, कोई भी स्क्रू बनाना है तो एच एच बी वायर लगती है। तो जो ये वायर आपका 50 रुपये से लेके 60 रुपये के इन बिटवीन आ जाती है, ये कम ज़्यादा होती रहती है, कभी कभी 40 भी हो जाती है, कभी कभी 65 भी हो जाती है। तो प्राइस का डेली का रॉ मटेरियल का जो होता है, इसका वायर का डेली का प्राइस होता है, तो ये प्राइस कोई फिक्स प्राइस नहीं है, मैंने एज ए अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालने के लिए बताया है। तो जो इसका ड्राइवॉल है, ये आपका पर केजी के पीछे 15 से 20 केजी का प्रॉफिट आपको पर केजी के पीछे निकल जाएगा। तो इसको आप मशीन को डेली भी अगर चला रहे हो तो आप मतलब कि आसानी से 20 से 25 हज़ार कमा सकते हो इस बिजनेस से, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। इसको आपने सेल कहाँ पर करना है, इसको आप हार्डवेयर की शॉप, होलसेलर होते हैं, इसको कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, उनसे कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि उसने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कोई भी बना रहा है बिल्डिंग, पीओपी होगी, इसमें चैनल लगा, उसको स्क्रू बहुत ज़्यादा लगता है। होलसेलर को कॉन्टैक्ट करो, उसका डेली का बहुत स्क्रू लगता है, हार्डवेयर की शॉप हैं उनका भी बहुत स्क्रू लगता है, तो इसकी बहुत मार्केट है। तो इसके साथ आप वायर नेल मशीन्स भी लगा सकते हो, उसी के साथ कि जो उसमें आपने मटेरियल स्क्रू बनाना है और वायर नील बनाना है, आपने अलग जगह नहीं बेचने जाना है, वो जितने जो आपने पहले किसी को दे रहे हो हार्डवेयर होलसेलर कॉन्ट्रैक्टर, तो उन्हीं को उन्होंने वही सेम मटेरियल उठा लेना है, क्योंकि एक ही लाइन का प्रोडक्ट है, कोई अलग प्रोडक्ट नहीं है, ये भी वायर के रिलेटेड है, वो भी वायर के रिलेटेड ही है। तो ये मतलब कि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर किसी कोई भी आदमी मशीन्स को बाय करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें और मशीन बुकिंग करें। बुकिंग करने के बाद विद इन 15 to 20 डेज मशीन आपको डिलीवर हो जाएगी। और अगर आपको बिजनेस के बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर या कॉल पे व्हाट्सएप करके, मैसेज करो हमें ये मशीन चाहिए, तो उसकी आपको उसी तुरंत आपको डिटेल्स आ जाएंगी। आप इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं, हम आपको कोटेशन प्रोवाइड करवा देंगे। सरकार के बहुत सारे स्कीम्स आए हैं आजकल, पीएमई, जीएमएसएमई, उसके तहत आप लोन लेकर बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सरकार आजकल स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारी उसमें स्कीम्स निकाली हुई हैं, तो उसी स्कीम्स का फायदा उठाते हुए हम आज बिजनेस शुरू करो तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए, कि बिजनेस करोगे तो बहुत बढ़िया है। आपने हमारी वीडियो लास्ट तक देखी, आपका बहुत बहुत चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि अपनी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।